नमस्कार। आप ई समाचार देखना शुरू कर चुके हैं और अभी हम डीएवी स्कूल में हैं और डीएवी स्कूल ने 2023 के जो एडमिशन होने हैं उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ बच्चों के लिए रखा है और जो शहर के और आसपास के गांव के सभी बच्चे जो है इसमें भाग ले सकते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट से जो है इसमें जो पोजीशन बच्चे लेगा उनको 25% से लेकर 40% तक जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि जो फीस है उसमें छूट मिलेगी। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी के लिए कैसे होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा इसका, किस तरह से फॉर्म फिल होगा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ डीएवी सेनेटरी स्कूल की प्रिंसिपल पारुल अरोड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, स्वागत आपका इस समाचार में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? जी मैम, ये स्कॉलरशिप कब एडमिशन टेस्ट के बारे में, एक्चुअली ये स्कॉलरशिप कब एडमिशन टेस्ट जो आगे आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं 2023 और 24 के लिए उनके लिए होने जा रहा है, इसके लिए हमने डेट फाइनलाइज किए हैं मार्च के दो संडे और एज वेल एज अप्रैल का फर्स्ट संडे हमने इसमें लिया है। और इस फॉर्म के लिए हम चार मेन सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट होगा इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स। इंग्लिश में सर हमने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 20 मार्क्स इंग्लिश के, 20 मैथमेटिक्स के, 20 मार्क्स साइंस के और 10 मार्क्स हिंदी के लिए, जिसमें 20 मार्क्स इंग्लिश में 10 मार्क्स राइटिंग स्किल्स को और 10 मार्क्स ग्रामर क्वेश्चंस को देंगे। वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर हम 15 मार्क्स मैथमेटिक्स को और 5 मार्क्स हम रीजनिंग एबिलिटी को देंगे, एज वेल एज साइंस के अंदर 10 मार्क्स साइंस में और 10 मार्क्स हम देंगे जनरल नॉलेज को, जनरल स्टडीज़ को, एज वेल एज 10 मार्क्स हिंदी में ग्रामर पोर्शन को दिया जाएगा। मैंने एक सवाल आ रहा है कि ये जो टेस्ट होगा वो लेवल किस तरह से इसका निर्धारित होगा? सर लेवल ऐसे है, जैसे सपोज करो मुझे फोर्थ क्लास का टेस्ट देना है तो मुझे थर्ड क्लास तक का सिलेबस जो मैं प्रीवियस थर्ड क्लास को फिनिश कर चुकी हूँ उसके सिलेबस में से ही मेरे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करती हूँ सिक्स ऑनवर्ड्स की तो एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो उसमें आने वाला है जी। और लेवल जो होगा सर वो हम बहुत एक्सीलेंट लेवल लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे पास आपको पहले से पता है जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनका लेवल बहुत अप है और हम उस लेवल के अप ही जाने वाले हैं। डीएवी स्कूल ये टेस्ट क्यों ले रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है? सर एक्चुअली जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो उसका जो एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होता है 10-12 डेज में मेंटल माइंड से नहीं हो पाता है। जब वो बच्चा आपके पास एक टेस्ट को क्वालिफाइड करके आएगा, एंट्रेंस टेस्ट को, उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, शार्पनेस होगी, इंटेलिजेंस होगी, वो उस प्लेटफॉर्म में उसके माइंड में सेटल देगा कि मैं इस लेवल से टेस्ट क्वालिफाइड करके आया हूँ। वो फ्रेंडली एनवायरमेंट के साथ विनर होगा और वो विनर औरों में भी अपने आप को देखना चाहेगा कि और भी विनर बने और मैं भी विनर हूँ। तो एक कंपटीशन जो लेवल है ना जो हम चाहते हैं इस इलाहाबाद सिटी में लाना वो लेकर आ रहे हैं। अब विनर वाली फील के साथ आएगा ना कि छूट वाली? नहीं 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 सर, छूट वाली तो एक तरह से हमने उसको दे दिया कि आपने ये लेवल लिया है हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बट वी वांट विनर, ओनली विनर फॉर आवर स्कूल। जी, इसका जो है 40% लेस है, 25% से लेके 40% है, right. तो वो कैसे रहेगा उसका? वो कैसे रहेगा सर, 10% तो क्वालिफाइंग को दिया जाएगा, 40% जो मार्क्स लेगा, 70 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से जो 40% मार्क्स लेगा उसको 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी हमारी जो स्कूल फी है उसमें, और जैसे जो 90% से अबव लेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी 40%, और फिर 80% से अबव दिया जाएगा। इस तरह से हमने स्लैब बनाया 35%, 30% और 25% का। इट मीन जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है वो हमारी 40% करने पर क्वालिफाइंग और 90% जैसे ही बढ़ती है बच्चे की वो स्कॉलरशिप लेगा 40% की स्कूल फी में। सर बच्चे इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उनको स्कूल में आना पड़ेगा या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म पे भी अपना फॉर्म फिल कर सकता है? एक्चुअली हमने इसके लिए एक नया नंबर जारी किया है, उस नंबर पे वो टेलीफोनिकली कर सकता है, दूसरा हमने स्कूल विजिट करके भी कर सकता है, तीसरा ऑप्शन हमने स्कूल की वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी इसका लिंक है, इसका गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जी हम आपको स्क्रीन पे जो नंबर है वो दिखा रहे हैं जो डीएवी स्कूल ने जारी किया है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए इसे कोई फीस वगैरह भी रखी हुई है? इसकी बड़ी नॉमिनल एक 20 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखी है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन फीस ही है ओनली, वो कोई किसी प्रकार का चार्जेज इस बात का स्कूल के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जी, हम ये कहेंगे मात्र 20 रुपये में आपके बच्चे का जो IQ लेवल है वो अपने आप को आंक सकता है कि वो कितना उसने पढ़ा, क्योंकि जिस क्लास के लिए
वो एडमिशन के लिए जो टेस्ट दे रहा है उससे पीछे की बाकी क्लासों के जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से वो टेस्ट बनाया गया, जैसा कि पारुल मैम ने बताया हमें। तो कम से कम आपके बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, जो स्टडी का लेवल है, उस बच्चे ने अब तक क्या पढ़ा, उसका तो टेस्ट कम से कम हो ही जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं, अपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और जो अपने जानकार हैं फैमिली के मेम्बर उनको भी शेयर करें, ताकि वो बच्चा इस एग्ज़ाम में अपना हिस्सा ज़रूर ले। और मात्र 20 रुपये की फीस स्कूल द्वारा रखी गई है, बाकी हम आपको फैसिलिटी लगातार स्कूल की दिखा रहे हैं, किस तरह से सिंगिंग बच्चे कर रहे हैं, किस तरह से क्लासरूम बने हुए हैं, लगातार हम आपको वीडियो में स्कूल की जो बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।